हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई शहरी आवास योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉटों के पत्र आवंटित किए गए। इसको लेकर जगाधरी अनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को अलॉटमेंट पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह के राज्य स्तरीय समारोह को भी बड़ी स्क्रीन के जरिए देखा और मुख्यमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। इस मौके पर लाभार्थियों को बधाई देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। अच्छा, आज 4,300 कुछ प्लाट जो है आज यहाँ पर दिए गए हैं और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9,000 लोगों को जो प्लाट है उनकी रजिस्ट्री उनका कब्जा देने का काम किया, 4,000 आज देने का काम किया। और अभी आने वाले टाइम में और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब लोग हैं उनको 1,00,000 रुपए सीधे उनके खाते में डालने का की योजना है ताकि वो अपने आप प्लाट खरीदें। जो पहले प्लाट दिए गए उनमें कई में इस प्रकार की समस्या रही कि गाँव के पास नहीं प्लाट है, बहुत दूर प्लाट थे तो वहाँ पर वो लोग जाके बसे भी नहीं है। तो अभी ये 1,00,000 रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग अपने आप अपनी च्वाइस की जगह खरीद सकें और लगभग ये इतनी राशि है कि जिसमें 2 से 3 मरले ज़मीन आराम से खरीदी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतनी ज़मीन मिल सकती है तो लोग अपनी इच्छा का मकान बनाएंगे। तो जो एक लक्ष्य रखा माने प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करने में हरियाणा सरकार जो है अग्रणीय भूमिका में बहुत स्पीड के साथ काम कर रही ताकि हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो। सर, क्राइटेरिया क्या है प्लॉट देने का? देखिए, इसमें जो जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है और जिनके पास अपना मकान नहीं है ऐसे लोगों को इस प्रकार का एक मौका दिया गया था कि ऑनलाइन उन लोगों ने अप्लाई किया, जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को मकान दिया जा रहा है। सर, कुछ लोग गाड़ियों में भी पहुंचे हैं प्लॉट लेने के लिए अपनी गाड़ियों में? देखिए, इतना बड़ा काम है इसमें हो सकता है कि कुछ लोग किराए का लेके 4-5 लोग इकट्ठे हो गए इस प्रकार से गाड़ी लेके आए होंगे, लेकिन जो एक उसमें है कि जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है तो उन्हीं लोगों को प्लाट देंगे। इन फ्यूचर ये स्कीम कब तक चलेगी? नहीं देखिए, अभी सरकार ने जिस प्रकार किया कि आने वाले टाइम में अभी देखेंगे कि कितनी जरूरत और है। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सबके खाते में 1,00,000 रुपए डालने के तो वो अपने आप प्लाट खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है तो निश्चित तौर से आगे भी उसका काम करें। अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है, क्या वो इस पाइपलाइन में आएंगे शामिल होंगे? हाँ, नहीं, उसका मौका आने वाले टाइम में देंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम है, ऐसे नहीं कि जैसे अभी मिले थे ना, अभी नहीं, उसका एक मौका देंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कर सके। आपको बता दें कि हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई शहरी आवास योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉटों के पत्र आवंटित किए गए। इसको लेकर जगाधरी अनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।